थी और उसका मुकाबला किया। ये अमेरिका ने की जंग नहीं थी, अमेरिका अपनी गरज के लिए आया। और अगर अमेरिका ने देखा कि स्टिंगर मिसाइल इनको देने हैं तो आज वो उनको इतनी इसके ऊपर बहस हुई थी कांग्रेस में कि ये तुम मुसलमानों के हाथ में दे रहे हो, लेकिन पासवान मिल गए काबा को सनम खाने से जब अल्लाह की नुसरत आए। वहां जब गए हिकमत यार ने रेगन से न्यूयॉर्क में जो जनरल असेंबली के इजलास में ये लोग गए, मिलने से इनकार कर दिया कि मैं रेगन के पास नहीं जाऊंगा, वॉशिंगटन नहीं जाऊंगा, यूनाइटेड नेशन आया हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हें अमरीका मदद करता है, उसने कहा हमें नहीं पता कौन सा अमरीका हमारी मदद करता, हमारी मदद तो अल्लाह ताला करता है और हमें अगर जो कुछ मिलता है पाकिस्तान के जरिए से मिलता है, हम अमरीका के मामनून नहीं है। बात वही वाजे हो गई थी कि अमरीका हमारा मुस्तकबिल का दुश्मन है। उन्होंने मुसलमानों की ताकत को पहचान लिया था कि इनके अंदर जो कुव्वत मज़ामियत है, जो जज्बा जहाद है, जो शौक शहादत है और जान देने की। भाई दुनिया के दो फलसफे हैं बड़े सादा से, एक वो जो ताबे जिंदगी है और एक मावराई जिंदगी है। जो ताबे जिंदगी है वो चाहती है कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, आसूदा बनाने के लिए दौलत जमा करो, असबाब जमा करो। और एक ऐसा फलसफा वो कहता है कि नहीं, एक मकसद के लिए कुर्बान कर दो इसी जिंदगी को। इन दोनों का मैच पड़ गया, पहले इश्तराकियत के साथ पड़ा, उसका गुरूब हो गया सूरज, वो निजाम ही उलट गया सारे का सारा, खत्म हो गया। अब दूसरा आ गया, इन्होंने देख लिया कि और चीजें को अलावा इन्होंने ये भी देख लिया कि ये मुसलमानों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लिखा गया। एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम का प्रोफेसर था, जब रूस तबाह हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ, मुसलमान रियासतें छह उसमें से बरामद हुई, तो उसने फौरन एक थीसिस लिख दिया, लास्ट मैन एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री, की तारीख यहां मुकम्मल हो गई। दो निजामों का टकराव था, एक उसमें जायल हो गया, दूसरा बच गया, तो अब हिस्ट्री हैज कम टू द एंड। लेकिन उसके फौरन बाद बर्नार्ड ल्यूइस जैसे जो बड़े यहूदी स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा एक फ्रांसिस इसका सैमुअल हंटिंगटन प्रोफेसर था हार्वर्ड का, उसने एक लिख दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने उस वक्त कहा, कौन कहता है कि जंगें खत्म हो गई, अभी तो इस्लाम मैदान में है, अभी तो हमने इसके साथ लड़ना है। तो चुनाचे जैसे ही आपकी कामयाबी हुई कि रोशनी तबा तो बन बलाशुदी, यानी हमारी कामयाबी ही उनकी आंखों में कांटे की तरह, उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गई कि ये अगर एक शुक्रवार को तो कल को तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। और मुकाबला किस चीज का है, निजामों का, ये मुकाबला नहीं किसी और चीज का। एक वो जो यहूदी का दिया हुआ मशनूई निजाम, जिसने खून रेजियां दी, जिसने जंगें दी, जिसने नाहमवारियां दी, जिसने कलोनियल सिस्टम दिया, ये जमहूरियतें हैं जिसको हम चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इंसानियत को गुलाम रख लिया। सफेद चमड़ी वालों ने कितनी अरसा तक, अब भी कॉलोनाइज किया हुआ है, और जब वो कॉलोनी का तरीका छोड़ा तो फिर न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर आ गए कि नहीं, इनके फसाइल को अपनी लपेट में लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो मुख्तलिफ ढीले बहाने से इनको दबा के, इनका बाजू मरोड़ के, इनको डरा के, इनको मकरूज करके इनके सारे वसाइल अपने हाथ में ले लो। ये एक नया तरीका, नई कॉलोनी। क्या ये इंसानियत की तुम खिदमत कर रहे हो? एकदम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, प्लूरलिज्म की बात करते हो, लेकिन तुम इस्लाम के प्लूरलिज्म, आओ ना प्लूरलिज्म सिर्फ एक मुल्क में क्यों नहीं, हमें करने दो। अब बर्नार्ड ल्यूइस, वही जो कि बहुत ज्यादा मुखालिफ होता था, कहता है खुदा के लिए अब इनको अपना निजाम खुद तखलीक करने दो। मतलब है अगर ये इस्लामी निजाम हासिल करना चाहते हैं तो कर लेने दो। अब वो इस खुद नतीजे पहुंचे, मार खा के और हमें खून में नहला के, खुद भी बदबख्त मारे गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अब ये उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक अजीम शान मारका और इतनी सस्ती जंग, तो आप कहेंगे जी हमारे इतने मर गए, 35,000 मर, ठीक है बहुत वाकई दुरुस्त है ये, लेकिन कभी कोई इतनी बड़ी जंग भी 35,000 कुर्बानियों से जीती गई है? रूस ने रूसी निजाम को खत्म करने के लिए 13 लाख अफगानों ने कुर्बानियां दी, हिजरतें की, लेकिन इनको ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, हमको इनको शिकस्त देना तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं किया, ये तो हैं ही बड़े बौद्धे। मैंने एक दफा एक जुमला कहा था कि ये अफगानिस्तान में आ तो गए हैं, शिकस्त खाएंगे,
और फिर ये इनकी इखलाकी बुनियाद ही कोई नहीं है, झूठ की बुनियाद पे सारी चीज मबनी है, तो ये तो नहीं कामयाब हो सकते। और मैंने कहा कि ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं अमेरिकन, ये अफगानिस्तान के पहाड़ों के अंदर मेल्ट कर जाएंगे, जैसे आइसक्रीम नहीं मेल्ट करती, वो कुछ भी नहीं रह जाता उसके अंदर, मैं कहा वैसे जल जाए, इस कदर तिलमिलाए उसके ऊपर, बेशुमार इनके लोग आए, ये तुमने जुमला क्यों कहा? मैं कहा वक्त साबित कर देगा, देख लेना तुम इसके ऊपर। तो आप देखें कि अब ये मार्का इस्तेमाल पजीर है, और ये अफगानिस्तान को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दी हुई है कि दो कौमें दुनिया के अंदर रह गई हैं, एक हिजाज का अरब और एक अफगानिस्तान का अफगान या पश्तून कह ले, लेकिन अफगान कहूंगा मैं, एक अफगानिस्तान कौम जो है, इनको अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दिया हुआ है, इन बोरिया नशीनों को, इनके पहाड़ के वो कोहसार बाकी, क्या जी अफगान बाकी, कोहसार बाकी, अल हक व हुक्म लिल्ला अल मुल्क लिल्ला, यानी ये इनके लिए। और इसके लिए अबलीस ने अपनी मुजले से शूरा में जो अकबाल ने अल्लामा इकबाल ने की है कि अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोह दमन से निकाल दो, और फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये करने के लिए आए थे, ये झगड़ा ये करने के लिए आए थे, झगड़े की असली नौयत ये है कि रूह मोहम्मद हमारे बदन से निकाल दी जाए, कशीद कर ली जाए, और हमें नए निजाम का जो ख्वाब हम देखते चले आए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान दुनिया के सारे मुसलमान, उस सारे निजाम को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, इनके ख्वाबों को मिलिया मेट कर दिया जाए। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ निकल आया, और अलामा ने ही इस अफगानिस्तान के बारे में कहा था कि आसिया, एशिया के लिए आसिया इस्तेमाल किया उन्होंने, आसिया यक पैकर आबो गिल अस्त एंड मिल्लत अफगान दरी पैकर दिल अस्त, अज फसादे ऊ फसादे एशिया अस्त, और अज कुशादे ऊ कुशादे एशिया, यानी अफगानिस्तान का अमन जो है वो एशिया का अमन होगा। चीन भी इस बात को समझता है। आज चीन जब मैं गया था उनके लोगों से बात हुई, मैंने कहा तुम्हारा स्लोगन है राइजिंग पीसफुली, यानी अमन के जरिए से तरक्की करो, अमन पुरअमन, ये तुम्हें अमन नसीब कहां से हुआ? क्योंकि कोई इसके लिए खून दे रहा है तुम्हारे अमन के लिए, किसी ने तुम्हारे दुश्मन को थामा हुआ है फ्रंट लाइन के ऊपर, और वो मुसलमान है, वो इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इस्लाम को पूरी तरीके से समझते नहीं। ये हमारा काम है, हमारे दानिश्वरों का काम है, अब उनके साथ खलत मलत करके, उनसे मिल के राबते करके करें। एक नई दुनिया तख्लीक होने की हुआ मेरे भाइयों, एक दुनिया, एक नया सूरज निकलने लगा, दो सूरज डूब गए दोनों निजामों के, एक खला आ गया ना, एक भी निजाम गया दूसरा भी गया। अमरीका मकरूज है, इतना कर्ज के बोझ तले है, यूरोप की मईशत का भट्टा बैठ गया, और उससे पहले इश्तराकियत डूब गई थी, कहां डूबी और किसकी वजह से डूबी? क्योंकि एक इस्लामी पाकिस्तान इस खित्ते में मौजूद था, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो भी आया एशिया का से हमला आवर सेंट्रल एशिया से या कहीं और से, उससे पूरे हिंदुस्तान को रौंद दिया, और हिंदुस्तान तो हमारे लिए चीज ही कोई नहीं है, वो तो तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़ा हुआ है, तारीख के बहाव के गलत सिमत में हिंदुस्तान ने पोजिशन ले ली हुई है, इसीलिए अब उनको मजबूरी हो रही है मुआहदात करो, ये करो वो करो। कठपुतली हुक्मरानों के साथ तुम मुआहदात से क्या हासिल करोगे? हमें कोई फिक्र नहीं इसकी। आओ ना अफगानिस्तान के अंदर देखें, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि तुम तशरीफ लाओ। तुम्हारी ये एक साजिशी मौजूदगी है, इससे बेहतर है कि तुम खुल के आओ, फिर हमें भी पता चले कि हमने किस तरीके से जंग करनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा वाकया होने को है, बहुत बड़ा वाकया होना, और पाकिस्तान ने अपनी मंजिल पानी है, लेकिन हमें क्या करना है? नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमने देख लिया कि चंद दिनों से बिजली नहीं जा रही, क्योंकि जूते मारे हैं आप लोगों ने खड़े होके, पार्टियों में तकसीम होके, वहां उसको पीपल पार्टी वाला नहीं था, वो कोई तहरीके इंसाफ वाला नहीं था, सब लोग आ गए, वहां आ गए मुतहदे को, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी वो आ गई। अब अगर आपने ये बिजली इतनी मुहैया थी कि आप पूरे मुल्क को, गांव में भी, मैं अपने परसों गांव में गया हुआ था, वहां भी देख के आया, वहां भी बिजली थी, कोई कहते जा ही नहीं रही बिजली, तो आप हमें बताएं कि आपने इतने दिनों महरूम क्यों, अब इसका हिसाब दो, ये अकाउंटेबिलिटी है, तुमने हमें क्यों महरूम रखा? वो बच्चे, वो नौजवान, वो बेवाएं और वो औरतें जो अस्पतालों के अंदर मर गई क्योंकि उस वक्त बिजली ऑपरेशन थिएटर में नहीं थी,
वो जो सड़कों के ऊपर इंतजार करते हुए मर गए, बिजली नहीं थी, जिन्होंने इतने दुख उठाए, जो कारखाने के मजदूर बेरोजगार हो गए, उसका कौन जिम्मेदार था? गिव अस द अकाउंट, इसका जवाब दो हमें।